टाइप टू के जैसी लग रही है, बट बेसिकली ये है टाइप वन। तो जो इसका सिस्टम है ये टाइप टू का है, और एक फॉर्चुनर बाहर एक फॉर्चुनर अंदर। अब आप मुझे बता दो कि इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है। जैसे क्या कि अभी मैं फॉर्चुनर है वो देख रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी भी हमारी विश लिस्ट में फिट हो सकती है, बात बन सकती है। लेकिन अगर इस पे बात बनानी है तो उस पे आप लोगों को ही कमेंट करके बताना पड़ेगा क्या करें। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, आज के दिन की शुरुआत है जो मैं इतनी बुरी बता रहा हूँ आपको। सुबह से लाइट नहीं है, और मतलब मेरा कोई गैजेट चार्ज नहीं है, नहाया, बाल देखो, गर्मी इतनी ज्यादा है। फिलहाल 10:30 का टाइम हो रहा है, और सुबह से 7 बजे मैं उठा था तब से तो लाइट नहीं थी, मतलब 3.5 घंटे का कट अभी तक हो गया। सफाई वफाई भी की, क्योंकि ये कीड़े वीड़े इतने ज्यादा हो गए क्या बताऊँ। तो फिलहाल गाड़ी में बैठते हैं, उसी में एसी लगाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। और आज एक गड़बड़ और है, एक्चुअली आईफोन की सेटिंग्स में कुछ इशू आ गया। उफ, अब थोड़ा सा मैं ना होश में आया, ये कल वो वाटर कूलर लिया था तो इसका डिब्बा इधर ही पड़ा हुआ है। इसकी सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ हो गई है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ कलर्स इसके खराब से हो गए। अब मुझे नहीं पता ये किस कलर में शूट कर रहा है, कैसा शूट कर रहा है। मैंने सोचा सुबह मैं ये शूट करूंगा और लैपटॉप में डाल के चेक करूंगा, फिर लाइट सब डेड है, लैपटॉप भी डेड है। वैसे मैंने लैपटॉप साथ रख लिया है, गाड़ी देखने का प्लान है एक दो, तो देखते हैं। ये देख रहे हो, ये मेरा छोटे वाला फोन है, तो ये आईफोन को मैंने लगा दिया। अब मैंने गोप्रो भी रखा हुआ है साथ शूट करने के लिए। पहले क्या कहीं ब्रेकफास्ट करूंगा बैठ के, फिर उसके बाद ये सारा सेटअप खोल के ताम जाम डिसाइड करते हैं। यार दिमाग खराब हो गया भाई का आज सुबह, ना सच बता रहा हूँ। और इधर देखो, टूड़ा छड़िया टूड़ा। तो पीछे ना यहाँ एक फॉर्चुनर आ रही है, मतलब ऐसी फॉर्चुनर मिले ना, ये देखो इस कंडीशन में मिले ना फॉर्चुनर तो मजा भी आए। जम्मू नंबर भी है, मेंटेन्ड भी है, हर एक चीज, पर थोड़ा इसका बजट भी ज्यादा रहेगा। लेकिन चलो ठीक है, गाड़ी अच्छी हो ना तो बजट कर भी लेता है बंदा। यार यहाँ ट्रैफिक का नाका भी होता है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जी अभी मैंने खाने के लिए बोला है, तो लैपटॉप में इतनी देर हम फाइल्स वगैरह डाल के चेक करेंगे कैसा रिकॉर्ड कर रहा है, क्या सीन है। खाना खाने के लिए रुके थे और रहाना रोहन भाई मिल गए थे, वो गाड़ी है उनकी, वो जा रहे हैं, वो तो हिमाचल से है, वो तो काफी अच्छा लगा उनसे मिलके, वीडियो में वो नहीं है। तो चलिए अभी खाना वाना हमारा भी रेडी हो गया, हम भी खाते शाते हैं, तो मिलती। हमारा जो मसला है वो हल हो चुका है, तो अभी मैंने फाइल्स ने इसमें ट्रांसफर करके देखी, तो मतलब ठीक है, कलर भी ठीक है और सॉफ्टवेयर में चल भी रही है, और खाना वाना भी हमारा आ चुका है। आज मैं इधर आया ना तो मैंने बोला भी नहीं इसको, सीधा ही नारियल काटने लग गया। चलो कोई तो वाकवी, कोई तो पहचान कर रहा भाई की। कहानी करते हैं शुरू, और जो हमारी आज की पहली गाड़ी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। गाड़ी आपको हमारे सामने दिख रही है, तो अगर आप चैनल पे रेगुलर हो तो आपने ये गाड़ी पहले भी देखी हुई है। तो यहाँ है हमारे रजा भाई। हाँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? पर एक चीज बड़ी गलत करी इन्होंने, जो बाल कटवा दिए ना। क्या बात है। ऐसा है कि अब देखो, जैसे हम फॉर्चुनर ढूंढ रहे हैं, अभी घर में फॉर्चुनर हो तो हमने बाहर क्या जाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी में खास क्या है। अब देख रहे हो गाड़ी लुक में जो है वो टाइप टू के जैसी लग रही है, बट बेसिकली ये है टाइप वन। हर एक चीज जो है इसमें चेंज है। जैसे मेन जो आता है वो हेडलाइट का सेटअप है, ग्रिल है, बम्पर है, एंड देन उसके बाद जो इसके अलॉयज है ये भी चेंज है ना, अलॉयज भी ब्लैक कलर में है। अगर हम गाड़ी के पीछे की बात करें, पीछे वाली साइड जो टेल लाइट्स है, टाइप टू में जो टेल लाइट्स आती हैं वो ऐसी नहीं आती, और टाइप वन में भी ऐसी नहीं आती, ये कस्टम टेल लाइट्स हैं। उसके बाद जो बम्पर है, लास्ट टाइम जब हम मिले थे उस टाइम बम्पर नहीं करवाया था ना चेंज, हाँ, तो बम्पर जो है ये रिसेंटली चेंज करवाया है, और कुछ ओवरऑल लुक है वो गाड़ी का इस तरह से आ रहा है। फुल टाइम फोर व्हील ड्राइव गाड़ी है ये, साइड से आप देख रहे हो कलर आपको दिख रहा है सिल्वर, बाकी ऊपर रूफ रेल्स भी ब्लैक कलर की हैं। और अगर इंटीरियर की बात करें हम, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो जो इसका सिस्टम है ये टाइप टू का है, तो बाकी जो है सारा आपको दिख ही रहा है, तो कुछ इस तरह का सेटअप है। ठीक है, ऊपर से भी आपने गाड़ी देख ली, और एक फॉर्चुनर बाहर एक फॉर्चुनर अंदर। फिलहाल क्या है, एक छोटी सी टेस्ट राइड मारेंगे और बाकी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। अब आप मुझे बता दो कि इस गाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है। टाइप वन फॉर्चुनर कन्वर्टेड इनटू टाइप टू और काफी अच्छे से, और गाड़ी की कंडीशन की बात करें तो बहुत अच्छी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाला है। ये गाड़ी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब कंडीशन भी बहुत अच्छी है। क्या है कि आप अपने नोन से गाड़ी लेते हो तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है गाड़ी में। एक अनजान आदमी से गाड़ी लेना और एक नोन से गाड़ी लेना में बड़ा फर्क। जैसे मैंने अपनी थार है, वो भी मेरे बहुत अच्छे नोन है, उनसे मैंने ली थी, और आज तक थार ने देखा ही है क्या ही दिक्कत हमें करी है और कितना अच्छा इसका जो भी एक्सपीरियंस रहा है। आप लोगों का कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे ना मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कल की मैंने टाइप वन फॉर्चुनर के लिए लोगों ने कहा कि नहीं टाइप वन नहीं, टाइप टू लो, उसकी लुक्स के लिए शायद लोगों ने कहा। तो अभी हमने एक टाइप वन फॉर्चुनर दिखाई है जो आपको टाइप टू में कन्वर्टेड है। इधर हम पहुंचे तो बेचारी इस गाड़ी का भी टायर बैठ गया, और शोभी भाई तो उधर है। ये क्या चाचू भतीजा सेम शोभी भाई, हाउ आर यू? ठीक हो अति जी? हेलो। और वो उसका टायर बैठ गया गाड़ी का, स्कूटर का
बैठ गया। जिप्सी में चल रहे, जिप्सी राइड वो ना, जिप्सी राइड नहीं नहीं क्या यार, सेम सिम कैसे जी? ये आपको दिख रहे हैं हमारे शोभी भाई, ये एनवेलप है डॉक्यूमेंट्स में पड़ा है। शोभी भाई पता है छोटी छोटी डिटेल जी वो फोकस करके निकाल लेते हैं। एक बंदे ने पता नहीं यहाँ से नंबर निकाल लिया था किसी ने। हाँ तो ये चक्कर होता है। तो ये शोभी भाई के कागज पत्र है। अभी हम जा रहे हैं स्पीड पोस्ट करने। अभी एक बड़ी अच्छी चीज हुई, आज संडे है तो ये भी खैर एक्सपर्ट है, मैं भी एक्सपर्ट हूँ। हम संडे को पोस्ट करने जा रहे हैं, संडे को तो डाक बंद है। शिव भाई आप क्यों करते हो ऐसा? व्हाई यू डू दिस इंटेंशनली? तरुण भाई क्या हाल है? ठीक है भाई, बड़ा खुशी है। अभी एक्चुअली जैसे हमने कहा हम एक और गाड़ी देखने जा रहे हैं, तो स्टॉक एंडेवर बड़ी प्यारी लग रही है ब्लैक रूफ के साथ। हाँ सही है शिव भाई, एंडेवर लगती तो अच्छी है, बट ले नहीं सकते। गुनगुनाते रहो ना। नहीं नहीं गुनगुनाओ ना। अरे नहीं तरुण जी, हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट कैमरामैन। आज भाई हम जा रहे हैं इसुजू देखने। इससे पहले तरुण भाई गए फॉर्च्यूनर देखने, बट मुझे नहीं बुलाया। बुलाया नहीं, बिजी है, आ ही नहीं रहे। ये तो मैं डालूंगा ना शेर। ये पीछे वो क्रिकेट की आवाज नहीं, ट्री ट्री ट्री। VFX भी मैं खुद ही दे रहा हूँ। अब जा रहे हैं हम लोग सिद्रा, ये तरुण भाई का फेवरेट गाना है। आपको पता है तरुण भाई जो हमने कश्मीर में सुन सुन के नहीं आती। अरे दो दो गाड़ी, अच्छा आज फुल रील बाजी होने वाली है भाई साहब। शिवू भैया हमारे जब उनसे पूछो कहते हैं सिद्रा पहुंचे हैं, अभी झूठ बोलते हैं। तो आज दो गाड़ियां लेके पता नहीं क्या किधर जा रहे हैं, तो और चमकाई भी देखो दोनों है। हाँ जी यादव भैया, बस बढ़िया, मेरे को लग रहा है आज फुल रीले बनने वाली है। क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक हो? तो इस गाड़ी को ना किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन हाईवे पे क्या है काफी ज्यादा भीड़ है। मैं सोच रहा हूँ कहीं ना थोड़ा साइड पे जाके फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या है कि अभी मैं फॉर्च्यूनर है वो देख रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी भी हमारी विशलिस्ट में फिट हो सकती है, बात बन सकती है। लेकिन अगर इस पे बात बनानी है तो उस पे आप लोगों को ही कमेंट करके बताना पड़ेगा क्या करें। तो जी फिलहाल हम आ चुके हैं Isuzu D-Max में। और सुनाओ शिव भैया, बढ़िया सुनाओ, क्या गपशप है? आप ही बताओ कमेंट में है मैं क्या बोलूं। अगर हम टाइप 2 फॉर्च्यूनर की बात करें और इस गाड़ी की बात करें, जैसे अभी मैं बैठा इसके अंदर, और रोड प्रेजेंस की अगर हम बात करें और पर्टिकुलरली अगर हम इस गाड़ी की बात करते हैं ना, कलर इसका इतना प्यारा है, प्लस इसमें मॉडिफिकेशंस जो रखी है, जैसे आप इसके अलॉय टायर्स देख रहे हो, एक चीज आ गई बोनेट स्कूप लगा हुआ है, ग्रिल ब्लैक नहीं आती है, ब्लैक और रेड उन्होंने करवाई हुई है। उसके बाद साइड पे ये मिरर लगाया है, ये जो लगा हुआ है ये भी काफी ज्यादा गाड़ी की लुक्स को एड ऑन कर रहा है। उसके बाद टेल लाइट्स जो है वो चेंज है, तो मतलब मॉडिफिकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी है ये गाड़ी। और बाकी कुछ नया और कुछ डिफरेंट भी होगा, मेरी प्रैक्टिकलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि फॉर्च्यूनर के साथ हम वो चीजें नहीं कर सकते जो हम इस गाड़ी के साथ कर सकते हैं। इस गाड़ी के साथ बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर हो पाएंगी। ओवरलैंडिंग के हिसाब से गाड़ी बनाना चाहता हूँ, वो गाड़ी ये बन जाएगी। कि रूफ रेल्स भी फंक्शनल है, टेंट चाहे तो इसके ऊपर भी लग सकता है, पीछे भी लगा सकते हैं। अंदर से हम अगर बात करें तो गाड़ी का इंटीरियर आप देख रहे हो, बढ़िया इंटीरियर है, और ये इन्होंने स्पेशली करवा भी रखा है। इस गाड़ी का मैं ऑलरेडी रिव्यू कर भी चुका हूँ, बट आज मैं उस पॉइंट से नहीं देख रहा हूँ, आज मैं एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। इसका जो 4x4 का है वो ऐसे आता है, इसमें दो लीवर नहीं होते। मतलब मेरे चैनल के हिसाब से ये गाड़ी मुझे सूट करती है नहीं करती, और बाकी मेरे आप एक्सप्रेशन देख के, मतलब इस गाड़ी को लेके मैं हूं, मेरा मन है एक तो क्या है कि कुछ डिफरेंट हो जाएगा सबसे ऑन रोड ऑफ रोड ये गाड़ी, क्योंकि ये मॉडल भी ऊंचा है, तो बजट का मुझे मे बी इशू आएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये गाड़ी परचेज करूं तो मैं बजट मैनेज भी कर लूंगा, हर एक चीज कर लूंगा, बट आफ्टर ऑल देखो मेरी खुद की खुशी तो है, मैं खुद चाहता हूं नहीं चाहता हूं वो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे मायने चीज रखती है कि मेरी ऑडियंस क्या बोलती है। तो अब आपको मुझे बताना है कि फॉर्च्यूनर या फिर Isuzu ये वाली जो मैंने आपको दिखाई है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंस्टाग्राम पे पोल डाल दूं, क्योंकि कमेंट्स में मैं उतना क्लियरली नहीं, मैं यूट्यूब पे भी पोल डालने की कोशिश करूंगा, इंस्टाग्राम पे भी पोल डालने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, अभी सब लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जो भी सीन्स है वो बताते हैं। तो क्या है, रील के लिए शॉट लिए जा रहे हैं क्रिश भाई हमारे, हम बिहाइंड द सीन्स आपको दिखा रहे हैं। चलो ये देखो, अभी हम यहाँ पे बैठे हुए थे शिव भाई और मेरी कोई पर्सनल डील चल रही है, उसमें तरुण भाई कुछ काट अभी काटने की कोशिश कर रहे हैं कुछ, और यहाँ पे हमें थोड़े भाई लोग मिल गए हैं। भाई क्या हाल है आपका? ठीक हो? क्या नाम है आपका? अंशदीप। कहाँ से हो? हम एयरपोर्ट के पास। सपोर्ट कर रहे हो इस भाई के लिए? कोई सजेशन? अरे इस भाई के लिए कोई सजेशन? अरे थैंक यू भाई, कीप सपोर्टिंग। आपका नाम क्या भाई? अशदीप। ओके ठीक है भाई, ओके बाय बाय। कि ये गाड़ियां तो चलो इनका तो जो भी सीन है वो बता रहे हैं। एक और चीज है कि शोएब भाई कह रहे हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी जो है सेल करनी है थार 700 के लिए। जो भी आपका वैलिड कोड होता है वो मेरे को ईमेल पे कर दो। हाँ और अगर बात समझिए तो
हाँ इनकी जो मेल आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो था कि गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है, हार्ड टॉप रीमेक हो गया है, अदर देन दैट वारंटी है गाड़ी की, न्यू टायर अभी अभी टायर लिए हैं, मतलब 1000 किलोमीटर नहीं चले होंगे। तो सारे मेल करो और बताओ। मैं इसुजू की जो है टेस्ट राइड है वो लेने वाला हूँ। तो गाड़ियाँ एक्चुअली तीन हैं, फैजू भाई और क्रियांश वो हैं क्रूज में जा रहे हैं, शोएब भाई और शिव भाई लेजेंडर में जा रहे हैं, और मैं कल्ला जो है इसमें बचाऊँ इसुजू में, आज इसुजू चलाने वाले हैं। जैसे जितना बड़ा ये पिकअप ट्रक है चलाने में ये बिल्कुल भी वैसा फील नहीं होता है, और अंदर से काफी कोजी कोजी सा है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये बड़ी एसयूवी लेके ना एक्सट्रीम ऑफ रोड का प्लान तो मेरा वैसे भी है नहीं है, तो कंफर्टेबल गाड़ी होगी, कुछ फैमिली ट्रिप्स हो सकती हैं, ऐसे जो ट्रैवल ट्रिप्स हैं वो हो सकती हैं। हाँ हमें मिले हैं हनी भाई, हनी भाई क्या हाल चाल है, और ये है सचिन भाई। तो आप सांबा से हो? जी बिल्कुल। व्लॉग अच्छे लगते हैं? बिल्कुल, रेगुलर देखते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, है ना। ओके जी, ओके सचिन भाई, हनी भाई, ओके ओके। कंफर्टेबल है, पावर डिलीवरी एब्सोल्यूट है, और रिमैप भी है, 180 के आसपास इसकी हॉर्स पावर है। बाकी सारे लोग तो पीछे रुक गए, लेकिन मैं एक पूरा चक्कर मार के आऊंगा। अभी सारे क्या है कि ब्रिज के नीचे चले गए हैं, पता नहीं क्या करना है उधर जाके, फॉर्च्यूनर भी है, इसुजू भी है, दोनों का कोई टेस्ट तो नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा ना इसमें जंप, इतनी बंपी रोड है। वो लोकेशन पहुंच गए हैं जहां उस दिन हम वो एंडेवर लेकर आए थे ना, आज क्या है कि फॉर्च्यूनर और इसुजू दोनों है हमारे साथ। बहुत छोटा और बेसिक ऑब्स्टेकल होता है, लेकिन इससे गाड़ी की टेस्टिंग है ना वो प्रॉपर हो जाती है, क्लियर हो जाते हैं आपके डाउट्स ना, गाड़ी क्या कैपेबल है, क्या कर सकती है। तो जी फॉर्च्यूनर जो है ये ला रहे हैं, एंड आई एम लिटिल स्केयर्ड। डिफ लॉक एंगेज करने पड़े। एंडेवर वाले कहाँ है? नहीं ये सिर्फ एयर ट्रैक के साथ, एयर ट्रैक ओनली, कुछ नहीं, डिफ शिफ्ट कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, चेक कर सकते। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, मान गए जी, मान गए। अभी सुधु देखते हैं। हाँ ये तो काफी आराम से, मतलब इस साइड से आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है अप्रोच एंगल जो है ये ज्यादा था। चलो नहीं नहीं ठीक है, तो अभी सेम जो ऑब्स्टेकल है वो हम इसुजू के साथ करेंगे। तो अभी आ रही है अपनी इसुजू, थोड़ा सा अप्रोच एंगल हमारा अलग था ना, यहां से सीधी चढ़ाई थी। फिलहाल क्या है कि दोनों गाड़ियां देखकर आ चुके हैं, और आज संडे है तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, तो आज जल्दी हमने छुट्टी कर दी बिकॉज मुझे कुछ और काम भी थे, तो बस अब आप लोगों के ऊपर ही है। तो जी इसी के साथ खत्म होती है आज की वीडियो। तो घर पहुंचते पहुंचते क्या है रोज लेट ही हो जाता हूं, तो बस आज की वीडियो आपने देखी है तो बस कमेंट में आपको बताना है इसुजू या फिर फॉर्च्यूनर टाइप 1 कन्वर्टेड इनटू टाइप 2। तो जो भी है, तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।